ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? देश दीआं वख-वख जेलां विच कैद बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई लंबे समय तो संघर्ष किया जा रहा और जे पिछले कुछ समय झात मारी तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस संघर्ष विच पिछले कुछ दिनों विच वड्डी तेजी जिहड़ी उह लियांदी गई है। वख-वख रोस मार्च कढ़े गए ने और इसे संबंध विच अज क्योंकि मनुखी अधिकारां दा मामला है, बंदी सिंह जो ने अपनी सजावां पूरी कर चुके ने, बल्कि उस तो दुगनियां सजावां जिहड़ियां पूरियां हो चुकी हैं और उस तो बाद भी उन्हां दी रिहाई संभव नहीं हो रही। तो अज मनुखी अधिकार संगठन पंजाब वालों वख-वख सिख जथेबंदियों के सहयोग के नाल श्री दरबार साहब नूं जांदे विरासती मार्ग से एक कैंडल मार्च जिहड़ा कढ़िया जा रहा है, मंग की जा रही है बंदी सिंघां दी रिहाई दी। तो इस मार्च में वख-वख सिख जथेबंदियों के नुमाइंदे शामिल होए ने और मनुखी अधिकार संगठन के जसविंदर कौर सोल ने उन्होंने तो सब तो पहले उन्होंने गल करेंगे अज दे कैंडल मार्च का मुख्य मंतव की है जी। लोगों नू जागरूक करना कि सिखां दा निजी मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। ह्यूमन राइट वायोलेशन जो सिखां नाल वितकरा हो रहा है, मानवता की उलंघना, मानव अधिकारों की उलंघना, उसनू जागरूक करने लिए कैंडल मार्च किया जा रहा। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट कैंडल मार्च हो रहा है, इस संघर्ष को होर तेज़ किया जा रहा है ताकि बंदी सिंघां की रिहाई होवे, क्योंकि बंदी सिंह जो अपन सजावं पूरिया कर चुके ने और संविधान के अकॉर्डिंग रिहाई मंगना उन्हों का मनुखी अधिकार है। सरकार अपने ही संविधान की पालना नहीं कर रही। बिल्कुल जी, संविधान समझ तो बाहर हो रहा है कि अगर देश एक संविधान एक कानून एक तो फिर यह तस्वीर अलग क्यों है, वितकरा क्यों है, सिंह शब्द जुड़न के नाल वितकरा क्यों है, जबकि सिखा का इस देश के लिए बहुत वड्डा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चाहे असी इतिहास बोल के देख लिए, गुरु महाराजा तो भी शुरू करिए, पहली पातशाही तो दसवीं पातशाही तक हिंदी चादर दे लई सरबंस वारिया गया है। देश दीआं सरहदां ते सिख अपनी जान कुर्बान करदे ने, भुखियां दे ढिड भरदे ने, ते उस समय अगर देश नूं खतरा नहीं है ते अज बंदी सिंह रिहा होण नाल देश नूं खतरा किवें हो सकता है? जे बिलकस बानो दे रेपिस्ट रिहा किते जा सकदे ने, राजीव गांधी दे हत्यारे रिलीज किते जा सकदे ने, बंदी सिंह क्यों नहीं? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर भाई गुरचरण सिंह गरेवाल साहब जी ने, गरेवाल साहब की लगता है सिख कौम दे लई संविधान वखरा देश दा? बिल्कुल दिखाई इस तरह ही दे रहा। अज तो 3 साल पहला मोदी साहब कहिंदे भी फांसी तोड़ दी जाएगी बलवंत सिंह राजवाणा की, तो 3 साल बाद कहिंदे खतरा बहुत है। सो जिहड़े सिखां ने इस देश दे लई इन्ना वड्डा काम किया, कुरबानियां कीतियां, उस नूं देश तो अज खतरा पैदा हो गया। जिहड़ियां सरहदां ते बैठे ने चीन के बार्डर के हथों हथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हां तो देश नूं खतरा हो गया। बहुत माड़ी गल है। रोस मार्च कढ़े गए पिछले कुछ समय दौरान श्रोमणी कमेटी वालों, वख-वख रोस मार्च सजाए गए पर सरकार ते कोई असर हुंदा नजर नहीं आ रहा। इत्थों तक के वख-वख समय दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वख-वख राज्यों के मुख्यमंत्रियों तो भी मुलाकात का समय मंगया गया पर उसका भी कोई जवाब नहीं दिता। मंशा सही नहीं है, मंशा सही नहीं है। तुसीं देखो राम रहीम जिहड़ा जिहदे ते बड़े माड़े दोष ने, बलात्कार वर्गे घिनौने दोष ने, कतल के दोष ने, कानून भंग करन दे दोष ने, दंगा भड़काउण दे दोष ने, वह साल च 3 बार आ गया ते उहनूं प्रवचन किए जा रहे हैं। तो इतों की सरकार जिहड़ी है मोदी सरकार उहदे प्रवचनां नूं अगे प्रचार करन वास्ते उहनां दे समागम करा रही है। तो यह माड़ी गल है, इस नाल देश की जिहड़ा अक्स है बहुत माड़ा, तो खास तौर पर सिखां वास्ते बड़ी 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 बंदी सिंघां दी रिहाई दा मामला सियासी दाब विच फसिआ। इसे करके असीं समर्थन करते हैं बीबी जसविंदर कौर सोल का, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की गल्ल नूं लैके यह मुद्दा चुकया। यह मुद्दा जिहड़ा वा ह्यूमन राइट्स का, ना कि किसी कल्ली कौम का मसला नहीं है। सो इस करके सरकारां नूं जगाउण वास्ते ह्यूमन राइट्स ने जिहड़ी आवाज़ उठाई आ, असीं उहदी आवाज़ बन अगे की रणनीति लिखी जा अगे रणनीति देखो, पहला सारे पहला परचा चलाइए, फिर असीं प्रदर्शन करिए, उस तो बाद नीति सिख जिहड़े बनाउंदे हुंदे आ उह जी बना लाँगे। पर अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ इह शांतमई कैंडल मार्च आ जो कि ह्यूमन राइट्स वल्लों कीता। शांतमई कैंडल मार्च जिहड़ा उह कढ़िया जा रहा श्री दरबार साहिब नूं जांदे विरासती मार्ग ते, जो टाउन हाल तो शुरू होया और इसे तरह शांतमई ढंग दे नाल रोस प्रदर्शन करता होया सरकार दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करता होया बंदी सिंघां दी रिहाई दे मामले नूं कौमी मुद्दा बनाउण दा जिहड़ा संघर्ष है वह विड़िया गया। तो इस तहत हुण मार्च श्री दरबार साहिब विखे जाके संपूर्ण होवेगा। तो वड्डी गिणती विच वख-वख सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे
श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो यह सारिया सिख जथेबंदियां श्री अकाल तख्त साहब के हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी मलकीत सिंह समेत अनेक धार्मिक शख्सियत निहंग सिंह जथेबंदियां इस मार्च में शमूलीयत कर रहे हैं और एक सुर हो के ये मांग की जा रही है कि बंदी सिंघां दी रिहाई जी तुरंत की जाए क्योंकि लगातार ये जरा संघर्ष है ये शांतमई ढंग के नाल चलाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि संघर्ष में शांतमई ढंग नाल रख के ही सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जा सके ता जो सरकार बंदी सिंघां नू रिहा करन जो 17 साल तो लैके 32 साल तो वध समय तो वख वख जेलों में रहन दे लई मजबूर ने हालांकि सजावां भी पूरियां कर चुके ने तो श्रोमणी कमेटी वालों भी इस संघर्ष के नाल नाल पिछले लंबे समय तो कानूनी लड़ाई जिहड़ी है वह लड़ी जा रही है चाहे वह वकीलों की फीस के रूप में है जां बंदी सिंघां दे परिवारों की मदद के रूप में है पर किसी पक्षों जिहड़ी है कोई ढिल नहीं वरती जा रही पर सरकारां वल्लों लगातार सिख भावनावां दी अनदेखी की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का अज जिहड़ा सिंघां दा रिहाई वास्ते मार्च कढ़िया साडे बंदी सिंघ जिहड़े ने पिछले लंबे सालों तो 25-25-30 सालों के जेलों च कैद ने यह इंसानियत का ह्यूमन राइट्स का घाण हो रहा सिखां नाल वितकरा हो रहा तुसी अज देश का कानून सिखां वास्ते वखरा हो गया साडे जिहड़े सिंघां वास्ते वखरा हो गया एक पासे राजीव गांधी दे कातल प्रधानमंत्री दे जिहड़े कातल है उन्हां दी रिहाइयां हो जांदियां ते साडे जिहड़े वीर है जिहड़े भरा अपनी सजावां पूरियां करके 5-5-6-6 साल तो अंदर बैठे ने सरकार उन्हां नूं छड़ रही प्रधानमंत्री अपने वचन तो भज रहा है गुरु नानक साहब के प्रकाश दिहाड़े के उपर भी वादा किया गया है बंदी सिंह जिन्हां दी बंदी रिहाई होगी पर उस गल तो ही भज रहे हैं अज हवाला दे रहा भी हालात खराब हो रहे हैं जदों देश नूं कि कुर्बानी की लोड़ पवे उदों 98-98% असी 2% वाले कुर्बानियां दिए जंगा युद्धां दे विच अगे हो के सारे हिंदुस्तान नूं गुलामी दियां जंजीरां तो लाइए पर अज साडे नाल सिखां नाल क्यों जिहड़ा वितकरा हो रहा यह अज वर्ल्ड वाइड जिहड़ी है ह्यूमन राइट्स दे घाण करके जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा वा यह जिहड़ा मार्च इदां दे हो रहे ने यह जिथे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के लोगों को दसन वास्ते अज देशों विदेशों में भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये हिंदुस्तान की सरकार का जिहड़ा नंगा चेहरा सामने आ रहा केजरीवाल वाल के जिहड़े ह्यूमन राइट्स दीयां गल्लां करते हैं प्रोफेसर इंद्रपाल सिंह भुल्लर की इन्हां को रिहाई नहीं हो रही कोर्ट के आर्डर नहीं मानते ये तो हालात है सुप्रीम कोर्ट के कई आर्डर ने तो उन्होंने भी गोलमोल करी जाते सिक्योरिटी रीजन करके सो अज जिहड़ा प्रोटेस्ट है ये ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ